सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्ट लगाएंगे, क्विज लगाएंगे जैन धर्म से, क्वेश्चन और आंसर लगाएंगे। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट जैन धर्म के बारे में अच्छी तरह से समझाया गया है, अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए इसका आज क्विज लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? कम से कम आंसर देने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे, तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, और देखिए जो फर्स्ट थे वो ऋषभ देव थे। तो अच्छे से सबको समझते चलिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैनियों ने, देखिए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और उन्हें आदिनाथ से भी जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आदिनाथ, इन्हें ऋषभ देव भी कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली मतलब वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें हमेशा फ्रेंड्स कंफ्यूज रहते हैं, तो देख लीजिए अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और देखिए वैसे तो जैन धर्म के स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, जो वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी हैं। और देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, 540 ईसा पूर्व में फ्रेंड्स। तो अच्छे से देख लीजिएगा 540 ईसा पूर्व में। और देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, और 468 ईसा पूर्व में। तो अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स कब मृत्यु हुई थी, कब जन्म हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म गायत्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था, तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, गायत्रिक। और आगे देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए महावीर स्वामी की माता त्रिशला थी, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। और देखिए उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और देखिए उनकी पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शिनी था, उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। और देखिए उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो सभी सबको अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। और आगे देखिए फ्रेंड्स महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में। तो आगे देखिए फिर महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था, मतलब उनके बचपन का नाम क्या था, उनका मूल नाम क्या था?
तो देखिए, महावीर स्वामी का मूल नाम वर्धमान था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, वर्धमान। और देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, SSC का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जियो और जीने दो। तो देखिए, जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, महावीर स्वामी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। तो देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान कैवल्य है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, कैवल्य। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में, तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, बिंबिसार। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है, तो देखिए, सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ 14 पूर्व, तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, 14 पूर्व। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो देखिए, जैन साहित्य को आगम, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, आगम। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सबको अच्छे से आप लोग समझिएगा जरूर से। तो देखिए, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। देखिए, ये जमाली कौन था, तो उनकी पुत्री प्रियदर्शनी, अनोंजा प्रियदर्शनी के पति पति थे जमाली, तो अच्छे से समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, शादवान किसका सिद्धांत है, तो इसको सभी जितने भी सबको हम अच्छे से बताए थे, तो उसका कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जरूर देखिए, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए, शादवाद किसका ग्रंथ है, तो जैन धर्म का, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, जिस धर्म की महिमा है, या मतलब किस धर्म की से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, जैन धर्म। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसको हम बताए थे फ्रेंड्स आपको, तो स्थूल बाहु थे, तो हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा, स्थूल बाहु। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, और देखिए, इसके जो अध्यक्ष थे स्थूल बाहु थे, पाटलिपुत्र में स्थूल स्थूल बाहु थे।
और देखिए जो द्वितीय संगीत हुआ था, सभा जो हुई थी वो बल्लभी में हुआ था, जो गुजरात में है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, इंपॉर्टेंट है, अभी ऊपर बताए थे फ्रेंड्स। तो बल्लभी में, ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, जो गुजरात में स्थित है। और हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए प्राकृतिक व अर्धमागधी, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, प्राकृतिक व अर्धमागधी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए अणुव्रत जैन धर्म से जुड़ा है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, जैन धर्म। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, तो देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन था, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, सुधर्मन। और देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो जैन ग्रंथ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कल्पसूत्र, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, तो देखिए जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, भद्रबाहु। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था, तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो पहला था वो अहिंसा था, जो दूसरा था सत्य था, और तीसरा अपरिग्रह, और जो चौथा था अस्तेय था, जो चौथा था अस्तेय, और जो पांचवा था ब्रह्मचर्य था, तो हमारा डी सी हो जाएगा, जो पांचवा जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य, तो अच्छे से सबको समझ लीजिएगा फ्रेंड्स सभी इम्पोर्टेंट हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, महावीर स्वामी के बिचूड़ी संघ की प्रधान कौन थी, तो देखिए स्वामी महावीर के बिचूड़ी संघ की प्रधान कौन थी, तो चंदना थी, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।